बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं उम्मीर रुबाब। नाज़रीन, आपको बताएं कि नून लीग पर किस्मत की देवी मेहरबान है, ज़मानतों का मौसम है। सारी सूरत हाल पर नून लीग अब भी खामोश है। हुकूमत क्या कह रही है, मौलाना फजल रहमान जो तहरीक चलाना चाह रहे हैं उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो ज़मानतों की बात कर लेते हैं। हनीफ अब्बासी, नून लीग के लिए रिलीफ जो है वो मिलता जा रहा है? देखिए, मैं आपकी इस ताबीर से और अल्फाज के इंतखाब से मैं थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ। वो क्यों? आप जो कह रही हैं कि रिलीफ मिलता जा रहा है मुस्लिम लीग नून को, दरअसल मैं इस ये जो कॉन्सेप्ट है इस फिक्रे से जुड़ा हुआ, मैं इसको नहीं मानता। रिलीफ को नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि देखिए, पाकिस्तान का एक कानूनी निज़ाम है, उस कानूनी निज़ाम में अदालतें आज़ादाना फैसला कर रही हैं, और अगर हम इस अगर हम इन्हें ना माने तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को, बुनियादी कॉन्सेप्ट को ना माने तो फिर हमें रिलीफ की सूरत में कुछ शामिल करना पड़ेगा कि शायद खुदा न खास्ता खाकम बदान कहीं कुछ और हो रहा है जो कानून के प्रोसेस पर भी असरअंदाज हो रहा है। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में पिछले जब से मौजूदा चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने अपने इस मनसब पे आए हैं, उस वक्त से हमारे यहाँ ज्यूरिसप्रूडेंस में कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमारे यहाँ शवाहिद की छान फटक पहले से बेहतर हुई है। सही। चीफ जस्टिस ने एक ऐसा फैसला लिख के अदालतों को भेजा है, नीचे तमाम अदालतों को, फौजदारी निज़ाम में, कि जनाब जब आपके सामने शवाहिद पेश हों तो उन्हें किन पैरामीटर्स पे आपने छानना फटकना है, और उसके बाद फिर इन शवाहिद का नतीजा कैसे निकलेगा, इनको आप कैटेगराइज कैसे करेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस पूरे केस में, जो ये पर्टिकुलर केस है हनीफ अब्बासी का, इस केस में वो कहते हैं ना, मेरी सूरत में मुजमिर है एक सूरत खराबी की। ये केस तो फ्रॉम द डे वन ही ठीक नहीं था। उस वक्त भी इस केस में बहुत सारे फैक्ट्स जो थे उनके ऊपर क्वेश्चन हो रहा था, और अल्टीमेटली जैसे ही वो फैक्ट्स जो हैं, जिन्हें हम प्यार से ठोस हकायक कहते हैं, ठोस हकायक जैसे ही अदालत की भट्टी में गए, पहले माया बन गए, फिर गैस बन के हवा में तहलील हो गए। सही। साज रसूल, आप पर आने से पहले वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजरत फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शरीफ खानदान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, आप लोग कहते थे, आपका ये बयानिया है कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग चोर हैं, लेकिन अदालतों में तो गलत साबित नहीं हो रहे, तो क्या गलत आपका बयानिया? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अदालतों में रिलीफ मिल रहा है, उनको बुनियादी कानून ही का पता नहीं है। उसकी वजह यह है कि ज़मानत जो होती है वो एक इंटरिम रिलीफ है, उसका कोई ये मतलब नहीं है कि किसी को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ मिल रहा है। जो जैसे नवाज शरीफ साहब को ये रिलीफ मिला कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, अगर चार हफ्तों में बाहर नहीं निकालेंगे तो पता नहीं, खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा हो जाएगा, तो उनको 6 हफ्ते की ज़मानत मिल गई। इसी तरीके से जो अभी जो शहबाज शरीफ साहब के असल केस हैं, वो तो अभी अदालत में पहुंचे ही नहीं हैं। सो जब अदालतों का टेस्ट आएगा, जब अदालतों का रिलीफ की बात आएगी, उस वक्त करेंगे। फिलहाल प्री जज करना, और मेरा ये ख्याल है कि ये कहना कि अदालतें एक स्कीम के तहत रिलीफ दे रही हैं शरीफ खानदान को, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एक सिस्टम है, कानून का एक निज़ाम है, हम सबको उसका एहतराम है और इसका एहतराम किया जाना चाहिए। सही। मेरा इसमें फवाद साहब आपकी तरफ भी आते हुए मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पैनमा के दिनों के फौरन बाद 5 लोग, इनको हम नहीं मानते, ये कौन होते हैं, इधर उधर की बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी यही बयानिया दिया जा रहा था कि अदालतों के खिलाफ इस तरह की महाजराई ना की जाए, अदालतें कानून के ऊपर फैसला करती हैं। उन्हीं 5 लोगों में से कुछ आज इस तरह के लोग हैं जिन्होंने आपको रिलीफ दिए। उन्हीं 5 लोगों के अंदर से कम अज कम एक शख्स तो ऐसा जरूर है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जिसकी सरबराही के अंदर ये रिलीफ मिल रहे हैं। तो उस वक्त भी ये बयानिया गलत था, और आज भी फवाद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आज भी अदालतों की तनकीद या इंडिविजुअल जजेस की जो सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि यह बिल्कुल गैर जरूरी है। फवाद साहब, यहीं से मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो इस तरह की महाजराई नहीं करेगी अगर ये आने वाले दिनों में मजीद रिलीफ मिलते जाएं? आई एम श्योर कि आप और आपकी पार्टी कानून के फैसलों के साथ खड़ी रहेंगी। देखिए, इसके अलावा पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कहना कि किसी को अदालती फैसला पसंद आया है या पसंद नहीं आया है, ये इररिलेवेंट है। कानून है, कानून के ऊपर अमल दरामद होना होता है। कई फैसले हैं जो आपको पसंद आएंगे, कई फैसले हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे, या आपकी अपनी इंटरप्रटेशन हो सकता है, आप बाय कन्विक्शन भी समझते हो कि फैसला दुरुस्त नहीं हुआ,
लेकिन ये वो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन एक और लॉ है और लॉ वो है जो जज कहेगा, और जो जज कहेगा उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये बहस ही इररिलेवेंट है, बात आपकी ठीक है, लेकिन इसके कुछ सियासी नतायज पैदा हो रहे हैं इस रिलीफ के। आपने देखा कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला तो मौलाना फजल रहमान उनसे मिले, उसके बाद वो काजी अपने आसिफ अली जरदारी साहब से भी उनका मामला हुआ, और अब उन दोनों को एक पेज पर लाने की कोशिश हो रही है। शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला तो उसके अपने सियासी नतायज मुरतब हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो रिलीफ है आगे चल के आपके लिए सियासी मुश्किलात का बाइस बन जाएगा? देखिए, बात यह है कि अगर तो तहरीके इंसाफ या पीटीआई या इमरान खान इतने कमज़ोर हो गए हैं कि ये तीनों इकट्ठे होकर कोई चैलेंज बनेंगे बन जाएंगे, तो फिर अदालती फैसले हों ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त जो नैरेटिव है, पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि लोग जो है ना उनको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। एग्जैक्टली लोगों को ये पता है कि ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो नैरेटिव इस वक्त, देखिए मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, PMLN और पीपल्स पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पार्टीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको प्रिजर्व करना चाहिए। मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास नैरेटिव नहीं है, सियासी सोच नहीं है इस बात के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना कि नवाज शरीफ साहब के पैसे डूब रहे हैं, शहबाज शरीफ के पैसे डूब रहे हैं, जरदारी के पैसे डूब रहे हैं, लिहाजा लोग बाहर निकले और इनके पैसे बचाए। बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए हम निकल रहे। नहीं, अगर ये नैरेटिव वो बना ले और लोगों को लगे कि अबू बचाओ मुहिम नहीं चल रही बल्कि ये एक महंगाई के खिलाफ मुहिम चल रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट नैरेटिव है। लेकिन चूंकि ये हबीब साहब जो हैं या साद हैं, और अब आप भी बड़े अरसे से ये प्रोग्राम कर रही हैं, आप लोग एनालिस्ट हैं, आप लोग तज्जिया करते हैं, क्या लोगों में ये तासुर है कि महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं, या लोगों में ये तासुर है कि ये अपने अपने अबू के पैसे बचाने के लिए निकल रहे हैं? सो आंसर इज कि मेरा शायद बायस होगा एक ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि लोगों को यकीन है कि अपने अब्बू के पैसे बचाने के लिए सारे लोग निकल रहे हैं, और बादशाह लिए लोग इनके साथ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। आपने देखा जी, सॉरी कतकलामी की बात से फवाद साहब, दो मुख्तलिफ नैरेटिव्स इफेक्टिवली चल रहे हैं। एक वो चीज़ें हैं जो नैब करेगी, जो नैब के बयानिए के अंदर सामने आती हैं, वो रिलीज जो कि नैब की अदालतों से मिले, जिनके खिलाफ अपीलें नैब फाइल करेगी, जो कि खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत के ताबे नहीं है। दूसरे इसी सारे प्रोसेस के अंदर अकाउंटेबिलिटी के अंदर वो काम है जो हुकूमत के करने वाले हैं, जिसके के अंदर से एक काम फॉर एग्जांपल इंटरपोल के थ्रू इसहाक डार और दीगर लोगों को वापस लाने का है, या जो अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन होने हैं कि लूटी हुई दौलत जो आपकी पार्टी क्लेम करती है कि लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है उसको वापस कैसे लाया जाएगा, ये इस दूसरे नैरेटिव पे, ये इंटरपोल पे लूटी हुई दौलत वापस लाने पे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करने पे आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस उतनी तेज नहीं नजर आ रही है, उतनी मुस्बत नहीं नजर आ रही जितनी कि इलेक्टोरल प्रॉमिसेज में थी, आपका ये ख्याल नहीं? डोंट यू थिंक दैट्स करेक्ट? नहीं साथ ऐसा नहीं है, बहुत एक्चुअली बहुत तेज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि आप दोनों सिस्टम्स को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपका बाकी मुल्कों की लीगल सिस्टम्स को भी आप देखते हैं, हमेशा जब आप MOUs में जाते हैं, जब आपने रियासतों में मुआहदे करने होते हैं, वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है। हमने बल्कि बड़ी जल्दी ये UK की जो कामयाबी हासिल की है ये बड़ी जल्दी की है। फिर एक और प्रॉब्लम आ जाता है, देखिए ये पॉलिटिकल एक इसका एस्पेक्ट है। मिसाल के तौर के ऊपर हमें आपको सबको पता है अल्ताफ हुसैन वहां पे बैठे हुए हैं, 7,000 लोगों के कत्ल का इल्जाम है उसके ऊपर, पूरा जोर लगा लिया, रियासत पाकिस्तान ने नहीं ला सके वापस। क्यों नहीं ला सके, क्या वजह है? क्या इसका मतलब यह है कि एक पॉलिटिकल एंगल है चीजों का? तो जो इस वक्त वहां पर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने वहां पे इतना, और ये सिर्फ इसहाक डार का मामला नहीं है, क्या आपको पता नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड से कितना पैसा फर्स्ट वर्ल्ड में जाता है? अगर फर्स्ट वर्ल्ड इतनी अच्छी होती कि सबको उनके पैसे वापस करके जाने चले जाने चाहती तो मुल्क तो दुनिया तो एक अमन का गहवारा होती, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड इज अनफेयर। सो वो पूरा कोशिश करते हैं कि ये पैसे उनके निजाम से ना निकलें, और वो पूरी कोशिश ये करेंगे। हमारा काम यह है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो पैसे वापस आए, और हमारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको हमने आगे रखना है। और ये पैसे में दोबारा देखिए, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, हमारा उनसे क्या जाती लड़ाई है, इमरान खान की क्या जाती लड़ाई है? झगड़ा तो यही है ना कि आप पैसे पाकिस्तान का पैसा बाहर ले गए भाई, वो पैसा हाँ आपका पैसा भी वापस नहीं मांग रहे हम, तो पाकिस्तान का पैसा क्रिएट कर दिया है एहतसाब के नाम पर।
आपके यहाँ आपकी खुद हुकूमत के अंदर एक अलग से एक यूनिट बना हुआ है, एसेट रिकवरी यूनिट भी बना हुआ है, जिसे शहजाद अकबर हेड कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के बावजूद आपको बार बार अपोजिशन कह रही है कि आइए मिसाक मीशत कर लें, जिसमें इस वक्त आपकी गवर्नमेंट मुश्किल फेस कर रही है। बार बार हर मुश्किल से निकलने के बाद कोई ना कोई शख्स है, मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ और हमजा ने दोनों ने कहा कि जनाब आए मिसाक मीशत पर बैठ जाते हैं, बाकी एहतसाब चलता रहेगा। तो आप इन मामला पर इस अंदाज से भी क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? इस अंदाज से तवज्जो दी जा सकती है, और अगर आप गौर करें तो जब पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली में आए, पहले दिन हमने क्या किया, हमने कहा आइए आपकी इलेक्शंस के ऊपर शिकायत है, कमेटी बना देते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को तकरीर नहीं करने दी गई। फिर कहा गया कि आइए आपको नैब के ऊपर प्रॉब्लम है, सात मुलाकातें फरोग नसीम साहब ने कर ली, नहीं हुआ। प्रॉब्लम ही सिर्फ यह है कि मिसाके जो मईशत जब वो कहते हैं, उसकी पहली शर्त यह है कि हम जरदारी साहब की मईशत को और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मईशत को भूल जाएंगे। अब अगर हम ये काम करें तो फिर जिन लोगों ने हमें वोट दिया है क्या वो हमारा गृहबान नहीं पकड़ेंगे? लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि आप तो मुकदमे नहीं बना सकते ना। अब बात ये हो रही है कि शहजाद, अब ये बात अखबारात में, आज के एक अखबार में छपी भी हुई है ये बात, कि अब आपकी हुकूमत मुकदमात बनाने के लिए मैदान में आ रही है इन दोनों के ऊपर। नहीं देखिए, मुकदमात जो पहले भी बनाए हैं, अभी तक हमने कोई मुकदमा नहीं बनाया। ये जो इस वक्त हमजा सलमान जिसको, ये हमजा शहबाज जिस केस का सामना कर रहे हैं, ये भी 2016 में इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जरदारी साहब के मुकदमात 2015 से शुरू हुए, जो इस वक्त बाकी सारे मुकदमात हैं वो 2016-17 से शुरू हुए, हमने अभी तक कोई मुकदमा नहीं बनाया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इन मुकदमात को मंतक इंजाम तक बनाने के लिए अपनी पॉलिटिकल सही की है। अगर आप ये कहें कि हमने कोई उसमें जो है उनको कोई जो वो किया हो, जो नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया या पीपल्स पार्टी ने इनके बकौल नवाज शरीफ के साथ किया, तो हमने विक्टिमाइजेशन वाला कोई मामला नहीं किया। अब लेकिन हमारे सामने मटीरियल आ रहा है और मुकदमों का, जो जाहिर है अब हमारे दौर में भी इनके ऊपर आने। चौधरी साहब, अमाउंट इतनी ज्यादा है के उनके ऊपर प्रॉब्लमेटिक अमाउंट्स हैं जो ये बाहर लेके गए हैं। ठीक चौधरी साहब, एक और बात में, क्योंकि ये बात बार बार होती है कि हुकूमत का काम नहीं, नैब का काम है मुकदमात बनाना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, उसका काम है। लेकिन जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस दोनों मेजर पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर है, दीगर पार्टीज के, जरदारी साहब के ऊपर भी और हमजा शहबाज के ऊपर भी, तो नैब की कार्रवाइयां तो चलें चलती रहेंगी, कुछ ऐसी चीजें भी नहीं जो हुकूमत को करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट बैंक ने किसी को प्रोसिक्यूट करना है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो हुकूमत के ताबे है, अगर FIA ने किसी को प्रोसिक्यूट करना है तो हुकूमत के ताबे है, अगर SECP के कोई काम करने हैं तो हुकूमत के ताबे है। क्या उस लेवल पे नैब से अलावा जो आपके पास प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, क्या उनमें भी कुछ काम हो रहा है? देखिए, अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं आपको क्या बताऊं, बेनामी का कानून बना, रूल्स बनाए नहीं गए। इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बना, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल्स नहीं बनाए गए। हमने आकर के पहली दफ़ा 3 महीनों में के अंदर अंदर हमने वो रूल्स की तैयारी शुरू की, और अब पहला जो सेट है नोटिसेस का वो दे दिया गया है, और बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो हैं जिन लोगों ने किए हैं उनके नाम के ऊपर नोटिस चले गए हैं। FBR पूरी तरह मुतहरिक हो गया है, वो उसके जो है वो मामला जो है वो उसको चला रहा है। अब हम जो जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि आप नैब ने तो आपके मातहत नहीं है और आप लोगों को क्या, देखिए नैब के अंदर हो, किसी भी इदारे के अंदर हो, इंसान है, जब तक उसके ऊपर एक पॉलिटिकल अवाम का दबाव नहीं होगा उनके फ़राइज़ की इंजामदही के लिए, वो नहीं आगे बढ़ते बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़। ये आपको भी पता है, बड़े लोगों के ख़िलाफ़ तो, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड में भी बड़ा मुश्किल है जब आप अमीर हों, इन्फ्लुएंशियल हों, आपका एहतसाब मंतकी इंजाम तक पहुँचाना, हम तो फिर थर्ड वर्ल्ड है। इमरान खान की कन्विक्शन है। सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, हो रहा है ओजे सिम्पसन, आपने देखा अमीर आदमी था, निकल गया, अमेरिका में भी उसका कोई जो है नहीं बिगाड़ सका, बड़ा अरसा लगा उसको करने में। बड़े लोगों के खिलाफ हमेशा ही मुश्किल होता है ये काम पहुंचाना एक मंतकी अंजाम तक।
ठीक है, जिस तरह से एहतसाब का जो है एहतसाब का अमल मौजूदा हुकूमत ने शुरू कर रखा है, अब पीपल्स पार्टी भी पेशावर बीआरटी मंसूबे पर कुछ इसी तरह जा रही है कि इस केस पर भी सारी तफ्तीश होनी चाहिए कि आखिर इतना गड़बड़ घोटाला कैसे हो गया, इसका भी ऐसे ही खैर मकदम किया जाएगा, इसी तरह से स्टांस लिया जाएगा जैसे बाकी केसेस पर लिया जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि बीआरटी के ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम है कि आपने इनकॉम्पिटेंस दिखाई है, उसको जितने अरसे में मुकम्मल होना चाहिए था उस अरसे में मुकम्मल नहीं हुआ, उससे ज़्यादा अरसा लगा है। ये प्रोजेक्ट, पहली बात तो यह है कि ये केपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर तमाम जो इसका पैसा है या इसका जो मनसूबा साजी है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंसल्टेंट्स कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक आपकी इस बात का ताल्लुक है कि इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, अगर पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है तो वो बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा कर रही है, बिल्कुल उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैकेनिज्म उसका जो भी वो बनाना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स डालना चाहते हैं, उसको एक्सपर्ट्स डालें और उसको मनसूबा बंदी में अगर गलतियाँ हुई हैं उसको सामने आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए उसका फ़ायदा है नुकसान है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट मेरा ख्याल इसको वेलकम। फवाद चौधरी साहब, एक मामला आ रहा है आपकी पार्टी में इख्तलाफात का, ये बात कब पंजाब में भी हुई, पंजाब के एक वजीर ने तो खुलकर कह ही दिया। आज बात ये हो रही है कि शाहराम तराकई और आतिफ खान को समझाया जा रहा है कि आप वज़ीरे आला से तआवुन करें, और फिर आपका आपके और रहीमुल हक के दरमियान खबरें भी आती रहीं, असद उमर और जहांगीर तरीन के दरमियान भी खबरें बाहर आती रहीं। ये इतने दबाव में आपकी जमात इतनी जल्दी चटक रही है तो इसको संभालेंगे कैसे, कोई सिस्टम बना रहे हैं? नहीं, कोई चटक नहीं है, सिर्फ यह है कि आपकी तवज्जो जरा हमारी तरफ ज्यादा है, वरना इत्तेहाद एहसन साहब ने जो नवाज वजीर आजम की भी बहुत तवज्जो है, फवाद चौधरी साहब उन्होंने तो बयानबाजी से रोक भी दी है। नहीं नहीं, वो तो जाहिर है वजीर आजम साहब की, तो ये हर जमात में होते हैं, फिशर्स होते हैं, पीटीआई में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, पीएमएलएन में भी हैं, जो भी पार्टीज बड़ी होती हैं। हमको फौजी बटालियंस तो नहीं है ना, फौजी बटालियन का एक अपना डिसिप्लिन होता है, यहाँ पर तो देखिए तमाम लोग बराबर होते हैं, अपनी अपनी ओपिनियंस देते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हाँ, फाइनल फैसला जहाँ प्राइम मिनिस्टर कह देंगे ये फैसला है मेरा, उसके ऊपर सारे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और जहाँ पर इख्तलाफ होगा इख्तलाफ का भी इजहार सामने होता है, कैबिनेट के अंदर गर्मा गर्म बहसें होती हैं, जो हमारी जो मुशावरती कमेटीज़ हैं उनमें शदीद बहसें होती हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि ठीक है, उनका माइंड ये समझता है कि ये सही है, सारे वहाँ पर मिल जाते हैं, और यही एक पोलिटिकल पार्टीज का प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप कोई किसी से इख्तलाफ राय ही ना करे। चौधरी साहब, आपने अब से कुछ अर्सा पहले और एक से ज़्यादा मरतबा तंजिया तौर पर एहतसाब के अमल के ऊपर बात करते हुए ये कहा कि अगर कोई लोग बाहर जाना चाहते हैं या इससे अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं तो प्ली बागिन का रास्ता खुला है। बहुत से लोगों ने उसके अंदर बहुत कुछ रीड इन किया, कुछ ने कहा कि शायद आपने वैसे ही बात कर दी थी। क्या आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक या आपके सीट से जो व्यू है, क्या वहाँ से इस तरह की कोई बात या जरदारी साहब के की साइड से या पीएमएलएन की साइड से किसी भी पॉलिटिकल लीडर की साइड से हो रही है, कोई एक्सप्लोर कर रहा है प्ली बागेन? ये मर जाएंगे पैसे नहीं देंगे, यही तो मसला है। इनको कहा है कि पैसे, ये तो लॉ में लिखा हुआ है कि आप पैसे दें और अपना जो है वो चले जाएं। मसला ये इनको इश्क के पैसों से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत पैसों से है कि ये कहेंगे हमें जेलों में, हम जो है चाहे हमें लुट जाए, मर जाए, बर्बाद हो जाए, हमसे पैसे ना मांगो, यही तो इनके साथ मुसीबत। एक्स वो जो है ना, नोटों के खुशबू से ये जीते हैं, इनकी ऑक्सीजन है, यही तो मसला बना हुआ है, वरना क्या ज़रूरत है ऐसे जेलों में रहने की। वो तो लॉ में लिखा हुआ है कि आप प्ली बार करें और चले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना कि 100 गंडे थे 100 छितर, इनके साथ तो यही होना है अल्टीमेटली। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आप एमनेस्टी स्कीम भी ला रहे हैं जिसकी आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है कि इमरान खान साहब भी मुखालफत करते थे और असद उमर साहब भी, तो आपने असेंबली का इजलास मुअख्खर कर दिया, तो क्या इस हफ्ते में एमनेस्टी स्कीम ले आएंगे और आईएमएफ का क्या स्टेटस है इस वक्त? अब देखिए, इंशाल्लाह दोनों जो मामलात हैं वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहल में हैं, असद उमर साहब जो हैं वो वापस जो है वो आ जाएंगे, और उसके बाद असद उमर साहब ने जो आईएमएफ से जो कहिए कि जो सारे उनके मामलात थे वो ऑलमोस्ट तय कर लिए हैं, अब आईएमएफ का वफद जो है उसने पाकिस्तान आना है और इंशाल्लाह ताला वो सारे मामलात जो हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे, मेरा ख्याल है रमज़ान से हो सकता है पहले हो जाएँ या मई में हो जाएँ। दूसरा जो है मामला वो है टैक्स, ये जो हम
करना चाह रहे हैं इसमें देखिए मसला ये है कि हमने आकर के जो है वो ज़रा स्क्वीज कर दिया है। हर बंदा चीखे मार रहा है, वो कहता है कि जी बात से नहीं, हमने ये 2/3 इकॉनमी तो यहाँ डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, तो अगर आपने इतनी सख्ती की तो इतना बड़ा पैसा तो इकॉनमी से बाहर आ जाएगा। अब हम उन लोगों को एक मौका देना चाहते हैं कि जनाब आखिरी मौका है, जो आके इस ट्रेन को पकड़ ले, फिर हमें हमसे गिला ना कीजिएगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब की है, अब हम उस इस बार इसमें मुख्तलिफ क्या होगा, क्योंकि ये स्कीम पहले भी आई और किस तरह नाकाम हुई सबने देखा, इस बार मुख्तलिफ क्या होगा? पहले चार बार आ चुकी है। अब इसमें जो मुख्तलिफ जो होगा वो मैं इसलिए थोड़ा सा अभी कमेंट नहीं करना चाहता कि वो बिल्कुल लैंड के ऊपर है, उसमें 4-5 मिनिस्टर साहबान जो हैं वो उसको आखिरी नोक पलक जो है वो उसकी दे रहे हैं, तो वो थोड़ा अपना फाइनल कर लें फिर इसके ऊपर जो है वो बात करें। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि कोई पंजाब में तब्दीली आने वाली, यहाँ बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि PMLN और PMLQ के दरमियान रबता हो चुका है, बल्कि एक मुलाकात का तो मुझे पता है कि लाहौर की सड़कों पे एक खास नंबर भी मैं बता दूं, दो नंबरों पर मुश्तमिल एक नंबर है, उस गाड़ी में लाहौर की सड़कों पर फिरते हुए दो नौजवान लीडरों की मुलाकात हुई, तो आपको लग रहा है कोई तब्दीली आ रही है पंजाब में? देखिए बात यह है फ्रेंकली कि पंजाब में जो तब्दीली है वो इमरान खान ने लानी है, वो कोई कहे कि हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं आएगी या हमसे पूछ के आएगी तो ऐसे तो नहीं होना। हमारे जो भी लोग हैं वो असल में जो ताकत है ना, आवाम की ताकत असल ताकत होती है, वो इमरान खान के पास है। तो इस वक्त जो पंजाब की तब्दीली का फैसला अगर करना है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि उनको पूरा एतमाद है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उनके साथ MPAs हैं और MPAs इसलिए हैं कि उनको इमरान खान का एतमाद हासिल है। सो ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, जब चाहेंगे वो तब्दीली का सोचेंगे। इस वक्त चीफ मिनिस्टर के नीचे चौधरी साहब कोई तब्दीली आ सकती है कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर, क्या रिकंसिडर हो रही है? जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, अगर वो फैसला करेंगे कि कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए तो वो तब्दीलियां जो हैं वो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो ज़्यादा एक बड़ा हमारा इस वक्त फोकस है वो लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट हमारा अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो फिर फ्रेंकली फोकस आपका लोकल गवर्नमेंट है। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तला'आत वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे क्वेटा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की।